मित्रों नमस्कार। अफजाल अंसारी की भी लोकसभा सदस्यता चली गई है। जैसे पिछले महीने राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और उससे पहले आजम खां की और उससे पहले मोहम्मद फैजल की। तो पिछली बार भी मैंने आप लोगों से जब इनकी सदस्यता गई थी तो चर्चा की थी, और आज अफजाल चूंकि उनको 4 साल की सज़ा हुई है, तो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें लिखा गया कि अगर किसी एमएलए या एमपी को 2 साल से अधिक की सज़ा मिलती है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन इसमें एक प्रोविज़न था 8 की ही पार्ट 2 में कि एमएलए और एमपी को 3 महीने का समय देना चाहिए अपील करने के लिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक आदेश में उसे निरस्त कर दिया था। और जब 2013 में ही मनमोहन सिंह सरकार उसमें संशोधन करना चाहती थी तो राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी, तो फिर वो मामला अटक गया। तो अगर वो ऑर्डिनेंस आ जाता, कानून में संशोधन हो जाता, तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बच जाती और मोहम्मद फैजल की भी और अफजाल अंसारी की भी, लेकिन चूंकि वो कानून नहीं बन पाया तो अब ये तुरंत उसकी सदस्यता चली जाती है। तो अफजाल और उसके भाई मुख्तार अंसारी मुख्तार को 10 साल की और अफजाल को 4 साल की सज़ा हुई है। ये दोनों गैंगस्टर हैं। इनके परिवार, जैसे मैंने इससे पहले अपने वीडियो में बताया था कि जो ये जो परिवार है, इनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्तार अहमद कांग्रेस के अध्यक्ष और बहुत बड़े सज्जन थे। तो 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जो इनके नाना हैं मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने कश्मीर को बचाया था, यानी पीओके जो आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था कश्मीर का, बाकी हिस्सा भी वो लेने की फिराक में थे। तो उस्मान, मोहम्मद उस्मान ने जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने अपने दम पर नौशेरा को बचाया था। उनको नौशेरा का शेर भी कहा जाता है, उनको महावीर चक्र मिला था। तो ये उनके नाती हैं। और हामिद अंसारी जो देश के उपराष्ट्रपति बने, ये उनके परिवार के। तो कहाँ इतना बड़ा परिवार, इतना स्वतंत्रता सेनानी परिवार, और इन परिवार में ये दो ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं, कपूत जिसे कहते हैं, कि इन्होंने गैंगस्टर किया, कृष्णानंद राय बीजेपी के एमएलए की हत्या की, और ये गैंग चलाते हैं पूरा। तो इनके गैंग के कारण इनको, एक को 10 साल की सज़ा हुई है, एक को 4 साल की सज़ा हुई है। तो मुख्तार तो एमएलए हैं, उनकी सदस्यता वहाँ चली जाएगी, और ये अफजाल सांसद हैं, बसपा से, तो उनकी सदस्यता आज चली गया। लोकसभा सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और 29 अप्रैल को इनको सज़ा हुई थी। तो नियम के अनुसार 29 अप्रैल से ही इनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। अगर ये हाईकोर्ट जाते हैं या उससे ऊपर की अदालत में, तो और इनकी सज़ा सस्पेंड होती है, तो तब इनकी लोकसभा सदस्यता तब तक बहाल हो जाएगी जब तक इनको फाइनल उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इनकी अपील की। तो हमारे संविधान की धारा 102(1)(e) में लिखा हुआ है कि अगर ये जो सांसद हैं, अगर वो किसके लिए रिश्वत लेते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, सवाल पूछने के बदले पैसे लेते हैं, या चुनाव मैनिफेस्टो में जो उन्होंने गलत सूचनाएं देते हैं, तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और अगर अगर आपराधिक मामलों में उनको 2 साल से अधिक की सज़ा होती तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये उनको 2 साल से ज़्यादा सज़ा हुई, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। तो मित्रों, अगर इस पर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं इंतज़ार करूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।